तो बच्चों, अभी हमने वाक्य विचार पाठ पढ़ा, पाठ 14, और अब हम उसकी प्रश्नावली हल करेंगे। तो थोड़ा सा आप भी अपना सहयोग दिया करो कि विकल्पों में तो आपको पता चल जाता होगा, आपने पाठ पढ़ा है। तो सबसे पहले आप, जैसे ही प्रश्न में लिखूं या पूछूं आपसे, तो आप फटाफट उसका उत्तर दिया करें। अगर आपको समझ में आया तो आप भी सहयोग करें, और इससे आपका, आपके ज्ञान में ही वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। विकल्प वाले प्रश्न तो सबको फटाफट याद हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ते समय अगर जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है उसे तुरंत आ जाते हैं समझ में। अब शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य, शब्दमाला की भाषा। क्या पढ़ा है हमने इस पाठ में? तो लिखेंगे वाक्य। पहला ऑप्शन सही है इसमें, वाक्य। इस पे सही का निशान लगा देंगे। दूसरा है, देखिए, वाक्य में प्रयुक्त होने पर हर शब्द बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर हर शब्द क्या बन जाता है? अभी हमने पढ़ा था, पद, क्रिया, विशेषण। क्या बन जाता है? हाँ, पद। तो पहला इसका विकल्प सही है, पद। सही का निशान लगाइए इस पे, पद। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? दो, तीन कि चार? रचना के आधार पर वाक्य के, हाँ बिल्कुल सही, तीन भेद होते हैं। दूसरा जो विकल्प है इसका, तीन, सरल, संयुक्त और मिश्र। अगला प्रश्न करेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर तो आप भूल ही नहीं सकते, कितने सारे भेद पढ़े थे हमने? कितने सारे पढ़े थे? दो, सात कि आठ? कितने पढ़े थे? हाँ, आठ शब्द पढ़े थे हमने, आठ। तो तीसरे विकल्प पे सही का निशान लगाइए, आठ। कितने भेद पढ़े थे? भूल ही नहीं सकते बच्चे, तो आठ भेद पढ़े थे। अगला देखिए, पांचवा, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे कहते हैं, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधायक, विधेय कि विधेयक? क्या कहा जाता है भाई? विधायक तो कहेंगे नहीं, विधायक तो नेताजी बन जाएंगे फिर। तो दूसरा ऑप्शन विधेय। ये पेंसिल से करेंगे सभी। अब अगला प्रश्न है, क कि सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही वाक्यों के सामने सही और गलत पे गलत का निशान लगाना है आपको। सही और गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहला वाक्य है आपका कि वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। भाई, वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है क्या? क्रिया के बिना तो कोई वाक्य ही नहीं होगा, बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं होगा, फिर तो वो शब्द ही बन जाएगा। इसलिए सही लगाइए इसको, पहले का सही। दूसरा देखिए, दूसरा है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। याद करो, आपने दो अंग पढ़े थे क्या? वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय।
ये भी क्या है, ये भी सही है। उद्देश्य में केवल क्रिया का कर्ता होता है, उद्देश्य में केवल क्रिया का कर्ता होता है, सही है ये। हाँ, जिसके बारे में बात की जाती है वो क्रिया का कर्ता ही होता है, सही वाक्य। वाक्य शब्दों का समूह है, तो वाक्य तो शब्दों का समूह ही है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। वाक्य शब्दों की ऐसी व्यवस्था है जिससे कोई बात ठीक समझी जा सके। वाक्य जो है शब्दों की ऐसी व्यवस्था है जिससे कोई बात ठीक समझी जा सके, तो वाक्य जब सही शब्द सही होगा, व्यवस्थित क्रम होगा, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ये भी ऑप्शन इसमें भी सही का निशान लगाएंगे। तो इसके सारे सही, कोई गलत इसमें है ही नहीं, सारे इसके सही दिए हुए। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध रूप में सार्थक बनाकर लिखिए। यहाँ पर जो पुस्तक खोलो अपनी तुम, यहाँ पर जो शब्दों का क्रम है वो उल्टा सीधा है, तो उनको हमें व्यवस्थित क्रम में लगाकर एक सही वाक्य बनाना है। तो ग में क्या करना है हमें, निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध रूप में सार्थक बनाकर लिखिए कि जिससे उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें कि पुस्तक खोलो अपनी तुम, सही क्या होगा इसमें। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि पुस्तक खोलो तुम अपनी, तो इसका सही रूप क्या होगा कि तुम अपनी पुस्तक खोलो, तो सही रूप लिखेंगे इसका तुम अपनी पुस्तक खोलो, ये सही से लिख लीजिए इसको। फिर दूसरा देखिए, ने दिखाया डॉक्टर मरीज को, ने दिखाया डॉक्टर मरीज को, तो मरीज ने डॉक्टर को दिखाया, मरीज ही डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर को तो मरीज दिखाने नहीं जाएगा। मरीज ने डॉक्टर को दिखाया, मरीज ने डॉक्टर को दिखाया। अगला लिखेंगे कि चाहिए रुपए मुझे दस, चाहिए मुझे रुपए मुझे दस, इसका सही करके लिखेंगे कि मुझे दस रुपए चाहिए, मुझे दस रुपए चाहिए, ये सही वाक्य बन गए। अगला वाक्य है कि के डाली माला फूलों नेताजी के गले, उसने अब उसने उसने नेताजी के गले में, लिखिए सही करके इसको, उसने नेताजी के गले में फूलों की माला डाली, उसने नेताजी के गले में फूलों की माला डाली। ठीक है, ये आपके रूप उनका सार्थक हो गया। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखो। प्रश्न ख, निम्न वाक्यों में से
और विधेय छांट कर लिखो। छांट कर लिखो, लिखिए कि एक तरफ हम उद्देश्य लिखेंगे और दूसरी तरफ विधेय। उद्देश्य और विधेय, अब पहला है इसमें कि राखी कहानी पढ़ती है, तो उद्देश्य क्या है इसमें? भाई क्रिया का कर्ता ही उद्देश्य होता है, और जिसके बारे में कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय होता है। तो राखी क्या है? उद्देश्य। राखी उद्देश्य, बाकी कहानी पढ़ती है विधेय। कहानी पढ़ती है, ये विधेय हो गया। अगला है घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा क्या है? उद्देश्य। अब घोड़ा दौड़ता है, इसमें उद्देश्य क्या हो गया? घोड़ा, और दौड़ता है उसका विधेय। दौड़ता है। फिर अगला है संदीप का भाई बीमार है। संदीप का भाई बीमार है, अब इसमें उद्देश्य क्या हो गया? संदीप का भाई, भाई और विधेय बीमार है। ठीक है, फिर अगला है महाराणा प्रताप महान राजा थे। तो किसके बारे में बात की जा रही है? महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप क्या है? उद्देश्य। महाराणा प्रताप और महान राजा, ये विधेय हो गया। महान राजा थे, ये उसका विधेय हो गया। इस तरह अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ की दृष्टि से भेद बताइए। अब हमने वाक्य अर्थ की दृष्टि से भेद पढ़े थे, उन भेदों को स्पष्ट करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ की दृष्टि से भेद बताइए कि आप दिल्ली कब जाओगे। अब इसमें आप दिल्ली कब जाओगे, इसमें किसका प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है, लिख लीजिए इसको। फिर दूसरा है छी छी, तुम मांसाहारी हो। अब छी क्या है? मन के भाव, और ये मन के भाव कब आते हैं? जो अचानक ही मन से मन के भाव निकल जाते हैं, तो विस्मय आदिबोधक वाक्य। यदि गृह कार्य पूरा कर लोगे तो शाम को घूमने चलेंगे, ये क्या है? भाई अगर काम पूरा हो गया तो बाहर घुमाने ले जाएंगे, ये संकेत है। तो संकेतवाचक वाक्य लिख लीजिए। फिर अगला है मयंक ने खाना नहीं खाया। अब मयंक ने खाना नहीं खाया, नहीं का बोध हो गया, तो निषेधवाचक वाक्य। वाह क्या सुंदर बाग बगीचा है। अब वाह, फिर मन का भाव आ गया, तो यहाँ पर विस्मय आदिबोधक ये वाक्य है, लिख लीजिए। मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ की दृष्टि से भेद
पहला इसमें प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा विस्मय आदिबोधक वाक्य, विस्मय आदिबोधक वाक्य। फिर तीसरा है संकेत वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य। फिर चौथा, यदि गृह कार्य पूरा कर लोगे तो शाम को घूमने चलेंगे, संकेत वाचक वाक्य। मयंक ने खाना नहीं खाया, निषेध वाचक वाक्य, निषेध वाचक वाक्य। फिर अगला पांचवा है कि वह क्या सुंदर, वाह क्या सुंदर बगीचा है, विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य। ठीक है, ये आपके प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार के हैं, निम्नलिखित वाक्य रचना की दृष्टि से। अब रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं, तीन, सरल, संयुक्त और मिश्र। राहुल गृह कार्य कर रहा था, कौन सा भेद है ये, राहुल गृह कार्य कर रहा था बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य। फिर दूसरा है, मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। अब देखिए, मैं बीमार था विद्यालय नहीं आया, बीच में किससे जुड़ा हुआ है, ये योजक शब्दों से इसलिए, तो इसलिए जुड़ा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य। दूसरा, तीसरा है, अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र अच्छे बने। अध्यापक चाहता है कि की से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए ये मिश्र वाक्य है, और ये उपवाक्य भी आए हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें साधारण सा अर्थ है, सरल वाक्य है ये। बादल गरजे और वर्षा होने लगी, बादल गरजे एक वाक्य है और दूसरा वर्षा होने लगी, इसको जोड़ा किससे है, योजक शब्द से, और इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो आप संयुक्त पर निशान लगा लीजिए, चेह वाला कीजिए रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से करने। पहला, राहुल गृह कार्य कर रहा है, सरल वाक्य। दूसरा है, मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया, ये संयुक्त वाक्य है। फिर तीसरा है, अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र अच्छे बने, अब इसमें की से जोड़ा हुआ है, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। अगला है वाक्य कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये सरल वाक्य। बादल गरजे और वर्षा होने लगी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिए, आपके प्रश्नावली के प्रश्न पूरे हो गए, अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है इसमें कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं। अब इसमें हमने वाक्य किसे कहते हैं, वर्णों के शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। देखिए शब्दों का वह व्यवस्थित समूह शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर लिख लीजिए कि शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न दो है आपका, रचना के आधार पर अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब इसमें देखिए रचना के आधार पर हमने पढ़े वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो इन तीनों भेदों को लिखेंगे कि रचना के आधार पर रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं, नंबर एक सरल वाक्य, नंबर दो संयुक्त वाक्य और नंबर तीन मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य, ये आपके तीनों वाक्य हो गए। अब देखिए इनके एक एक उदाहरण देते हैं। सरल वाक्य का,
संयुक्त और मिश्र का सरल वाक्य। सरल वाक्य में जैसे ताजमहल आगरा में है, ठीक है, ये सरल वाक्य है, ताजमहल आगरा में है। ऐसे ही संयुक्त वाक्य का उदाहरण, संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण देखिए, जैसे जल्दी बैंक आओ और तुरंत पैसे ले आओ। संयुक्त वाक्य में जल्दी बैंक आओ और तुरंत पैसे ले जाओ, ले आओ। जल्दी बैंक जाओ जाओ और तुरंत तुरंत पैसे लाओ। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। ऐसे ही देखिए मिश्र वाक्य का, कि मुझे ऐसा पेन चाहिए जो अच्छी तरह चल सके, या मैं चाहता हूँ कि आज हम सब घूमने रुड़की जाएं, तो दूसरा लिख लीजिए। तीसरा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में देखिए मैं चाहता हूँ कि आज हम सब रुड़की घूमने जाएं, रुड़की घूमने जाएं। देखिए रुड़की एक शहर का नाम है, तो जगह देखने की बात कर रहे हैं, कि आज हम सब आज घूमने रुड़की जाएं या रुड़की घूमने जाएं। फिर अगला प्रश्न है आपका, कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का नाम बताते हुए एक एक वाक्य लिखो। अब प्रश्न 3 लिखेंगे, कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों का नाम, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों का नाम बताते हुए एक एक उदाहरण लिखें, एक एक वाक्य लिखिए। अब ये उदाहरण स्वरूप भी देने हैं आपको, कि जिससे कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए, ठीक है। उत्तर लिखेंगे, अर्थ के आधार पर अब हमें पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, सबसे पहले लिखेंगे विधानवाचक वाक्य। अब इसमें लिखेंगे कि हम पिकनिक पर जाएंगे,
हम पिकनिक पर जाएंगे। बिल्कुल साधारण सा वाक्य है ये, जैसी बनावट के आधार पर ये बिल्कुल साधारण सा वाक्य है। ऐसे ही दूसरा है निषेध वाचक वाक्य। निषेध वाचक वाक्य। अब निषेध वाचक वाक्य में नहीं नकारात्मकता आती है तो लिखेंगे हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे। ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। अब तीसरा है आपका इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, अब इच्छावाचक वाक्य जैसे देखिए कि आपकी यात्रा शुभ हो, मेरी इच्छा है भाई, हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा शुभ हो, या मैं कामना करता हूं कि तुम शीघ्र रोग मुक्त हो जाओ। मैं कामना करता हूं कि तुम शीघ्र शीघ्र रोग मुक्त हो जाओ। ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। क्योंकि इसमें कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। ऐसे अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, अब प्रश्नवाचक वाक्य में तो प्रश्न होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। रहे हो, और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य में किसी को आज्ञा देना या आदेश का बोध होता है, जैसे तुम वहां मत बैठो, तुम वहां मत बैठो। ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। अगला है आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य, अब संकेत वाचक वाक्य में क्या है, किसी बात का संकेत होता है, किसी वाक्य के द्वारा ही संकेत या किसी शर्त का बोध होता है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य अच्छे अंक प्राप्त करोगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ठीक है, ये आपका संकेतवाचक वाक्य हो गया। अब विस्मय विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य, इसमें हम विस्मय आदि बोधक का उदाहरण देंगे कि जैसे ओह किस
कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ, या अरे तुम्हें कैसे पता चला? अरे तुम्हें कैसे पता चला? पता चला, ठीक है। और इसमें विस्मय आदिबोधक का चिन्ह आ जाएगा। ऐसे अगला है अंतिम संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य में क्या है कि शायद आज कपिल ना आए, कपिल के आने में संदेह व्यक्त हो रहा है कि शायद आज कपिल ना आए। तो ये आपके अर्थ के आधार पर 8 भेद हो गए और उनका एक एक वाक्य मैंने लिख दिया। तो अब इन प्रश्नों के उत्तरों को आप याद कर लें और लिखने का अभ्यास करें। अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।